होए जिसका मुझे था इंतजार। तो गाइस जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, कॉस्टिंग एग्जाम के लिए 3 डेज प्लानर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। क्या बात कर रहे हो अमन भाई, इसी चीज का तो वेट कर रहे थे अपन। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी और हम आपके लिए लेके आ गए 3 डेज प्लानर फॉर CA इंटर कॉस्टिंग। बहुत लोग है सर जो ग्रुप 2 ही दे रहे हैं, ग्रुप 1 नहीं देने वाले, मतलब उनका क्लियर है, या फिर पहली ग्रुप 2 देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये प्लान प्रॉपर मस्त तरीके से बनाया गया है। सर प्लान में क्या क्या कवर किया है? प्लान में कवर किया है कौन सा चैप्टर कब कवर करना है, कौन सा चैप्टर कितने टाइम में कवर करना है, प्लस सर अमित भाई की तरफ से एक्स्ट्रा गिफ्ट, कौन से चैप्टर में किस कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, उसको छोड़ के मत जाना। क्यों? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में कैसा आया था कैसा नहीं आया था उसके बेसिस पे मैंने बता रखा है। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है सर, शुरू करें फटाफट से, छोटी वीडियो रखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते। सर एक और चीज बताया था साथ ही साथ, सर आपको इसका PDF मिल जाएगा नीचे लिंक में, तो फटाफट से जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करके इसको दीवार पे चिपका सकते हो, इसके बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। प्लस सर ये मेरा बताया हुआ तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉलो करो, बट आपका पहले से ही कोई प्लान सेट है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने तरीके से फॉलो कर सकते हो। डन सर जी, तो चलो फटाफट से पहले प्लानर पे ही आ जाते हैं। सर सबसे पहले बात करते हैं Day 1 की, और आपको इसी सीक्वेंस में अगर फॉलो कर रहे हो तो इस सीक्वेंस में करना चाहिए। Day 1 में क्या होगा? सर सबसे पहले आपको कॉस्ट शीट खत्म करनी है। कॉस्ट शीट सर आराम से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 10 नंबर का, पिछली बार तो भैया MCQ ही आ गया था। हाँ जी सर, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर भी तो सर 8 नंबर का आ ही जाएगा। 2 घंटे लगने चाहिए इसको कवर करने में फर्स्ट डे में। और क्या क्या फोकस पॉइंट्स है सर? सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एडमिन ओवरहेड की एडजस्टमेंट। सर 2 एडजस्टमेंट्स हैं, जनरल एडमिन ओवरहेड या रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाली, वो आपको ध्यान देना। मैंने नोट्स में साफ साफ बताया किसको कब क्या लेना है। सर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन, इसी पे मेन क्वेश्चन बनता है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता, यूनिट्स दी होती है, निकालना पड़ता है, ध्यान रखना। सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड, इसका एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें याद है ना यूनिट्स को 9 महीने और 3 महीने में तोड़ा था, और फिर उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकाला था। हाँ जी सर, और एक कंसेप्ट याद रखना भाई लोग, इसको मैं पिंक में मार्क कर रहा हूं। क्या सर? याद रखना, क्वेश्चन ईयर बेसिस पे बनाने बोला है या मंथ बेसिस पे बनाने बोला है, इसके बेसिस पे आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। ये पॉइंट फोकस रखने अपने को। डन डन सर, 2 घंटे करने के बाद आप 3 घंटे का एक सेशन उठाओगे मटेरियल कॉस्टिंग का। इसमें क्या क्या करने वाले हो सर? सारे फॉर्मूलाज तो आपको याद होने ही होने चाहिए, याद रहेंगे सर। उसके बाद सर वेटेड एवरेज EOQ, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर जब आप दोनों मटेरियल्स एक साथ ऑर्डर करने वाले हो तो वेटेड एवरेज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हो, सर वो देख लेना। स्टॉक लेजर का क्वेश्चन देख लेना सर, कौन सा? सिंपल वाला? नहीं, सिंपल वाला तो आपका फाउंडेशन में आता है। एक स्टॉक लेजर दिया होगा, उसके बेसिस पे EOQ के क्वेश्चन निकालने हैं, तो सर ये एक क्वेश्चन मेरे मटेरियल में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। इसके बाद सर स्टॉकआउट का क्वेश्चन, बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर आएगा क्या आएगा क्या, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है इस बार स्टॉकआउट का क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना, देख के रखना। ठीक है सर, स्टॉकआउट डन। इसके बाद 3 घंटे के सेशन में आप उठाओगे एम्प्लॉय कॉस्टिंग। ओके सर, क्या करना है? सर फॉर्मूले तो इसके इजी है, हाल से रोवन वाले, आपको क्या करना है? मैं हाल से में था, मुझे रोवन में जाना है, मैं रोवन में था, मुझे हाल से में जाना है, ये वाले क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। उसके बाद सर ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, इसका एक बड़ा क्वेश्चन मेरी मॉड्यूल में सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया है, कवर कर लेना। सर लेबर टर्नओवर का कैलकुलेशन, वैसे पढ़ना चाहिए लेकिन पिछले अटेम्प्ट में आ गया तो फिर भी देख के चले जाना। क्या सर? लेबर टर्नओवर ये नहीं आएगा, लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर नहीं आएगा, वो तो पिछली बार आ गया। लेबर टर्नओवर के फॉर्मूले है ना कैलकुलेशन वाले, वो शायद आना चाहे तो आ सकते हैं, ये टॉपिक्स देख लेना। इसके बाद सर देखो 3, 3, 6 और 2, 8, 8 घंटे हो गए। हाँ लास्ट में सर रात के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटिंग देख लेना सर, इसमें रिकॉन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी अकाउंट्स बनाने भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का पक्का एक्सपेक्टेड रहता है इससे। सर 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 9:30, 9:30 घंटे का फर्स्ट डे का मैंने टाइम टेबल बनाया है। पर अमित भाई अपन को 13 घंटे पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है ना तुम 13 घंटे पढ़ने वाले हो, बाकी बचे हुए घंटों में सर आपने जो फुल डे पढ़ा है ना, फुल डे को रिवाइज करना। तो भैया मैंने एक दिन के अंदर अंदर ही 2 रिविजन तुम्हारे प्लान कर दिए, ये तो पढ़ के चलना ही चलना, जो पूरे दिन पढ़ लिया उसको रात में 2-3 घंटे लगा के एक बार रिवाइज कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वापस से रात के टाइम पे देख लेना। डन सर। सर अब आ जाते हैं Day 2 की तरफ। Day 2 में आप सबसे पहले ओवरहेड से स्टार्ट करने वाले हो। क्या ओवरहेड्स में फोकस रखना सर? ऑल मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेथड्स दिए रखे हैं ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? बहुत लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को ही गलत तरीके से करके चले जाते हैं। सर
इसमें आपकी मैथ्स पे फोकस है, तो प्लीज गाइज मैथ्स स्ट्रांग रखना, और कुछ नहीं है। तीन मेथड ही है अपने पास जो मेन आते हैं सर, ट्रायल एंड एरर वाला आता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस दिमाग अपना शार्प रखना, मैथ्स एकदम क्लियर रहेगी रहेगी, ठीक है। इसके बाद सर ये 3 घंटे के अंदर अंदर आप खत्म कर लोगे सुबह के पहले सेशन में। उसके बाद सर एक सेशन उठाओ एबीसी का। ओवरहेड्स और एबीसी एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि सर दोनों ऑलमोस्ट पुराना तरीका नया तरीका इस पे बनता है, ठीक है। सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, एबीसी वाली रेट्स निकालना तो आसान ही है, अपने को अब्सॉर्प्शन वर्सेस एबीसी पे ज्यादा फोकस करना है। याद करो मैंने पढ़ाया था एबीसी में एक ही चीज करनी है, पहले लिख दो आपकी एक्टिविटी क्या है, फिर लिख दो सर कॉस्ट पूल क्या बनने वाला है, उसके बाद सर आपका कॉस्ट ड्राइवर है कौन, उसके बाद लिख दो सर आपके नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर को कितने हैं, और उसके बाद रेट निकाल के आ जाओ कॉस्ट ड्राइवर की रेट। डन सर, बात खत्म। एक पूरा एबीसी का चैप्टर इतने में निपट गया, आपके पास क्वेश्चन आएगा एबीसी वर्सेस अब्सॉर्प्शन का, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है। डन सर, सुबह के अगर मान लो आपका दिन का 1 बज गया ये खत्म करते करते करते, तो उसके बाद सर आपको कुछ नहीं करना, एक 3 घंटे का सेशन वापस से उठाना है। इसमें क्या करना है सर, इसमें आप लोग मार्जिनल पढ़ने वाले हो। सर मार्जिनल में अपन क्या क्या करने वाले हैं ध्यान से देखो सर, एक सिंपल फॉर्मूला जो मार्जिनल का रहता है वो पढ़ के चले जाना, क्योंकि उससे छोटे क्वेश्चन जो पहला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना वो आ सकता है कंपलसरी वाला। लिमिटिंग फैक्टर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपके अटेम्प्ट में आएगा, और एक इंपॉर्टेंट है मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन, इसका एक बिग क्वेश्चन आईसीआई मटेरियल में लास्ट में दिया हुआ है और मैंने भी पढ़ा रखा है सर। मेरी पावर बैच देखोगे, मेरी पावर बैच में मैंने ये कंसेप्ट का वीडियो समझा रखा है क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है सर ये कवर करोगे। उसके बाद छोटू सा सर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ के इसको खत्म कर देना। सर इसमें फोकस रखना, आप मेरा मटेरियल उठाओगे ना मैं अपने मटेरियल की लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। सर क्या क्या होने वाला है, इसमें 2 बड़े क्वेश्चन हैं सर, मैं इतने पे खरीद के लेके आया, इतने पे बेचा, ये किया वो किया। सर जॉब एंड बैच में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख के चले जाना, फॉर्मूले भी हैं इसमें, छोटा वाला छोटा सा फॉर्मूला है, तो ये 2 बड़े क्वेश्चन है वो देख के चले जाना। डन सर जी, डन। सेकेंड डे भी अपना खत्म, और लास्ट का जो रात का 2-3 घंटा बचेगा सर, इसमें भी अपन ने कितने घंटे लिए, 3 घंटा, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, जो 2-2.5 घंटे बच जाएंगे सर, उसमें क्या करना पूरे दिन का रिवाइज कर लेना, काम खत्म। डन सर, अब आते हैं डे नंबर 3 पे, ये डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर क्या क्या करना है, सबसे पहले जेपी बीपी उठा लेना, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मैंने 2 घंटे लिखा है वैसे 1.5 घंटे लगना चाहिए। इसमें क्या ध्यान देना है, आपको देना है ऑल मेथड्स जो दे रखे हैं, स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड और रिवर्स कैलकुलेशन के ऊपर। मेरी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 या 25 मेरे को अब भी याद है सर, रिवर्स कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान देना, पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, सर मेरे को पक्का पता है सिंपल वाला क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, इस बार या तो ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP से आएगा, या तो इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आपके पास पक्का एग्जाम में दिखने वाला है। सर इससे MCQ भी देखने को मिल सकता है आपको, केस स्टडी बेस्ड MCQ। मैं बता दूं सर, केस स्टडी बेस्ड MCQ आपको देखने को मिल सकता है या तो प्रोसेस में से, मुझे ऐसा लग रहा है प्रोसेस में से देखने को मिल जाएगा, या फिर सर आपको सर्विस में से देखने को मिल जाएगा। हाँ जी सर, सर्विस में से भी देखने को मिल सकता है। और सर जो एक चैप्टर है जिसमें से बनाया जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है सर, ओवरहेड्स में से भी बनाया जा सकता है। वैसे ओवरहेड से बनाना नहीं चाहिए, पर ओवरहेड से भी बनाया जा सकता है। इन 3 चैप्टर से आपका केस स्टडी बेस्ड MCQ 2 लग ही सकता है, टकरा सकता है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है सर। इसमें क्या देख के चलना है सर, इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन है उसका, क्लोजिंग WIP ओपनिंग WIP वाला। डन सर जी, डन। सर सर्विस कॉस्टिंग, अगर मैं आपसे सर्विस कॉस्टिंग की बात करूं ना सर, तो पिछली बार हमारे पास एयरलाइंस इंडस्ट्री का आ गया था, इस बार पक्का चांसेस है होटल इंडस्ट्री का आएगा या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, सेकेंडरी चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है होटल इंडस्ट्री का आ ही आ जाएगा, या तो होटल का या तो हॉस्पिटल वाले बेड का, पक्का एग्जाम हॉल में आ सकता है। डन सर जी। और सर हर एक के लिए ना एक प्रॉपर फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट को ध्यान से देख के जाना, मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, बनाया है आपके लिए कि किस चीज पे मेन फोकस रखना है। सर इसका प्रिंट ले लेना और एक काम करना, जो भी तुम खत्म करते जाओ ना, अगर मान लो तुम्हें तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो इसके आगे लिख लो, और सर क्या करो जो जो होता जाए उसको टिक करते जाओ, हाँ अमित भाई ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। लास्ट में 2 घंटे, 3 घंटे, 3 3 6 2 8, सर 2 घंटे में आपका बजेटरी। अमित भाई क्या कर रहे हो, मजाक मत करो, 2 घंटे में बजेटरी नहीं होता। सर मेरी बात सुनो ना, बजेटरी इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर होता है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले पता करो सर आप कितनी यूनिट्स सेल करने वाले हो।
सर मान लो कैसे निकालेंगे, सर वो क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद आप पता करो आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो। कैसे पता करेंगे? सर जितनी यूनिट्स आपके पास ओपनिंग स्टॉक थी प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल आ जाता है। सर ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, सेल दिया होगा, प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो। इसके बेसिस पे आपको निकालना होता है आप कितना परचेज करने वाले हो। कैसे सर? सर मान लो आपका यूनिट्स का कंजम्पशन है परचेज इंटू बोलता है सर एक यूनिट पे लगने वाला है, सॉरी प्रोडक्शन इंटू बोलता है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 यूनिट्स लगेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका प्रोडक्शन इंटू 2, ये होता है आरएम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बस सर काम खत्म, इससे आप अपना परचेज निकाल के आ सकते हो। बस सर बात खत्म, यही पूरा बजेटरी का चैप्टर 2 मिनट में वापस से आपको बता दिया मैंने। ओके सर जी, देखो सेल्स, सेल्स से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से एक्सपेंस, एक्सपेंस से परचेज, काम खत्म। सर स्टैंडर्ड तो बताया ही नहीं आपने। बाबा स्टैंडर्ड मैंने आपके लिए रखा है लास्ट में, दी डे के लिए। भाई ये क्या कहना चाह रहे हो? दी डे मतलब सर जिस दिन आपका एग्जाम है, ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि एक तो सर बहुत सारे लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, दूसरा सर इससे पिछली बार एमसीक्यू आया था। कहाँ से आया था? सर आया था आपका फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड से। तो इस बार पक्का पक्का चांस है सर आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? मटेरियल प्लस लेबर का मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास एग्जाम हॉल में, पक्का आएगा। मेरे को पता है मटेरियल और लेबर का मिक्स ही आने वाला है। तो सर इसमें फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने बहुत प्यारे तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया है। तो सर इसकी फॉर्मूला शीट्स मतलब सर जो मेरे नोट्स है उसमें फॉर्मूला मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो पढ़ के चले जाना 3 घंटे के आसपास। अगर सुबह 6 बजे भी उठते हो आप तो सर 5:30 उठ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 घंटे इसको कवर कर लेना। और थ्योरी अगर देखना चाहो तो मैं एक मैराथन वीडियो डालूंगा थ्योरी की, 2 घंटे की। सर वो वीडियो देख के आपका संपन्न एकदम पूरा काम खत्म होता है। तो सर 3 साढ़े 3 दिन की कैसे प्लानिंग है ये मैंने पूरा बता दिया है। अब मेरी बात सुनो, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? सर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका प्रिंट ले लो, दीवार पे चिपका दो और मेरे को चाहो तो फोटो भेज दो। सर फोटो कैसे भेजोगे? ये देखो मेरी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, ये रहा टेलीग्राम, ये रहा सर यूट्यूब, ये रहा मेरा व्हाट्सएप, इस पे मेरे को फटाफट से फोटो डाल देना कि सर ये देखो ना हमने चिपका लिया प्रिंट आउट करके। अब सर नेक्स्ट इसका कैसे फायदा उठाना है मैं बताता हूँ, मेरे को फोटो भेजना यार, मजा आएगा, मैं पक्का आपको टैग करूंगा पक्का। सर अभी एग्जाम हॉल में परेशान मत करो अमित भाई, क्या आप अभी टैग करोगे, इंस्टा इंस्टा खेलोगे? अरे एग्जाम हॉल के बाद कर लेंगे बाबा, एग्जाम खत्म होने के बाद। डन सर जी, तो आप प्रिंट करके इसको दीवार पे चिपका लोगे। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं हर एक के नीचे। हाँ जी सर, आपको कुछ अलग लगे तो आप भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेना, ठीक है सर जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिया सर, मैंने आवर्स पहले ही मेंशन कर रखे हैं। हाँ जी सर, ठीक है। तो आपको पता होगा मेरे को इतने घंटे में खत्म करना है, अगर कोई जल्दी खत्म कर लिया 3 की जगह 2.5 में तो लिख लेना, खुशी मिलेगी। आप अपने वाले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के टिक मारते चलना, सर ये हो गया, 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 डन। तो ऐसे आपका पक्का टाइमली मैनर में खत्म हो जाएगा। डन सर जी, डन। सर अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, 1 डे बिफोर एग्जाम आप लोग क्या चाहिए आप लोगों को? सर या तो मैं कॉस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूं 7 बजे से लेके 11-12 बजे तक, मतलब 4-5 घंटे में, या तो मैं सुपर 30 ले आऊं। ये सुपर 30 सेम रहेगा सर जो मैंने मई 24 के लिए डाला था, तो आप वहां से भी रिकॉर्डेड वीडियो डली है देख सकते हो। या फिर आप बोलते हो सर अमित भाई दोबारा से दोनों लाइव करवा दो, तो सर कमेंट कर देना मेरे को फटाफट से, कमेंट डाउन करके कि अमित भाई क्या चाहिए आपको। सर अगर आप अपना सेकंड ग्रुप दे रहे हो ना, आपके लिए बहुत ही मस्त टाइम अवेलेबल है, बहुत मक्खन तरीके से क्लियर कर सकते हो। काश मेरे टाइम पे मेरे को 3 दिन पहले किसी ने इतना सब कुछ दिया होता तो मेरे को मस्त पता होता कि कैसे क्या चीजें कवर अप करनी है। डन सर जी, डन। इसके अलावा सर अगर आपको और कोई भी चीज की नीड लगे तो सर हमारा YouTube चैनल यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें सारी चीजें डली हुई है, सारी चीजें डली हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो सर उसका भी 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 4-5 घंटे का वीडियो डला हुआ है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म कर सकते हो। सर मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी रेगुलर लेक्चर्स डाल रखे हैं, अगर तुमने वो भी कवर नहीं किया वो भी कवर अप कर सकते हो। सर ये देखो मैंने पावर बैचेस में प्रॉपर रिविजन ले रखा है, अगर तुम्हारा रिविजन नहीं हुआ है अभी भी रिवीजन कवर कर सकते हो। और क्या चाहिए बोलो ना, वो भी करवा के दूंगा। और सर कैसे बोलोगे मुझसे? तो सर ये देखो, ये रहे मेरे सारे कनेक्शंस जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सर ये देखो,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सर, ये यूट्यूब फटाफट से सब्सक्राइब करो ना सर, ये मेरा इंस्टा सर, इस पे आप लोग मुझे कनेक्शन भेज सकते हो, एग्जाम के बाद मस्ती करेंगे सर, ये मेरा व्हाट्सएप जिस पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके, प्लीज कॉल अवॉइड करना मेरे दोस्तों। ओके सर जी, डन डन। तो अब बताओ सर, और आपको जो भी मुझसे चाहिए होगा आपका अमित भाई आपके लिए लाके देगा। अमित भाई FMSM का भी प्लानर ला रहे हो, वो भी लेके आऊंगा, टेंशन मत, पहले कॉस्ट तो करो, वो भी लेके आऊंगा। डन सर जी, डन। तो गाइस अब मिलते हैं आप लोगों से, आप लोगों की क्वेरीज के साथ, जो भी डाउट्स लगे सर या तो यहाँ पे कनेक्ट मेरे से कनेक्ट कर लो, या फिर नीचे कमेंट डाउन कर दो कि अमित भाई हमें सुपर 30 चाहिए, या फिर अमित भाई हमें कॉस्ट की क्विक मैराथन चाहिए 4 घंटे के अंदर की, मैं वो भी करवा के दे दूंगा, जो चाहिए वो बोलो सर, आपके अमित भाई कॉस्ट FMSM के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल है।